महाराष्ट्र के पालघर नासिक तोरंगड़ा घाट पर सूरत की जलाराम ट्रैवल्स की बस दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें 6 लोगों की मौत और 45 लोग घायल हुए, जिसमें से 10 लोगों की हालत गंभीर है। घायलों को त्र्यंबकेश्वर के पास अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बस के यात्री शिरडी से दर्शन कर दहाणु महालक्ष्मी के दर्शन के लिए जा रहे थे। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस चुनाव जीती तो पाकिस्तान में दिवाली मनेगी। रूपाणी ने यह बयान गुजरात के महसाणा में हुए एक सम्मेलन के दौरान दिया। अहमदाबाद के पीपलज रोड पर बसी झुग्गी झोपड़ियों में बने एक लकड़ी के गोदाम में बीती शाम आग लग गई। 15 घंटों की भारी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ी मौके पर पहुंचाई गई थी। एनसीपी के प्रदेश प्रमुख जयंत बॉस्की ने कहा है कि पार्टी ने शंकर सिंह बाघेला को गांधीनगर से चुनाव लड़ने के लिए कहा है। शंकर सिंह गांधीनगर के पूर्व सांसद रह चुके हैं। हालांकि शंकर सिंह बाघेला ने कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। अमरेली लोकसभा सीट के उम्मीदवारों के चयन को लेकर कांग्रेस में असमंजस की स्थिति है। एक सीट के लिए एक से अधिक दावेदार सामने आने की वजह से पार्टी में खींचातानी शुरू हो चुकी है। अमरेली बैठक पर एक टिकट पर 4 उम्मीदवार ने दावा ठोका है। अमरेली जिले के 3 एमएलए दिल्ली पहुंच चुके हैं, जिसमें से वीरजीत ठुमर ने तो दिल्ली कांग्रेस के नेता अहमद पटेल से मुलाकात भी की है। सुरेंद्रनगर के बीजेपी के वर्तमान सांसद देवजी फतेहपरा कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। वो द्रांगद्रा विधानसभा से बाय इलेक्शन लड़ सकते हैं। देवजी फतेहपरा का कहना है कि उनकी कांग्रेस के हाईकमांड के साथ बातचीत भी जारी है। सुरेंद्रनगर जिले के हाईवे पर सब्जियों से भरा एक ट्रक पलटी खा गया, जिसके बाद सड़क पर चारों ओर सब्जियां फैल गई। बाद में पुलिस मौके पर पहुंचे उससे पहले लोगों की भीड़ वहां पहुंच गई। लोग सब्जियां लेकर भागते दिखे। इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुई। गुजराती नाट्य जगत के दिग्गज अभिनेता सिद्धार्थ रांदेरिया को वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया ने नवाजा है। गुजराती नाट्य जगत के सिद्धार्थ ऐसे पहले अभिनेता है जिन्हें इस सम्मान से नवाजा गया। सिद्धार्थ पिछले 40 वर्षों में 3000 से ज्यादा शो कर चुके हैं। पाटन के बाद अरवली जिले की ठाकुर सेना ने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को टिकट देने की मांग की है। साबरकांठा सीट पर ठाकुर मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। ठाकुर सेना का कहना है कि उनके उम्मीदवार को टिकट नहीं मिली तो वो कांग्रेस को हरा देंगे।